हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का कुछ ऐसा प्लान है कि सागर अंकल और उनकी वाइफ हमारे घर पे आने वाले हैं, बिकॉज उनका फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले एंड अभी बज रहा है दोपहर का 12। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के रेडी हो जाएंगे, मतलब खाना बन चुका है, हम लोग खाएंगे। और सागर अंकल ऑलरेडी आ चुके हैं, बट उनकी वाइफ अभी तक नहीं आई है। तो जब वो आती हैं तो फिर हम लोग उनसे आपको मतलब हम उनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। एंड वही है सागर अंकल और उनकी वाइफ, जो कि केरला स्टोरी मूवी देखने हमारे साथ गए थे, अगर आपको याद होगा तो हाँ वो आएंगे। और उसके बाद हम उनको आज मेहंदी वगैरह भी लगाने वाले हैं, बिकॉज सावन में वो मेहंदी नहीं लगाए हैं, तो इस वजह से उनको हम मेहंदी लगाएंगे। एंड जो भी होगा वो आपको हम दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स गो। ये सागर अंकल हैं, ये डैडी हैं, ये लोग खाना खा रहे हैं और अभी हम अपना खाना भी निकाल लिए हैं। तो खाना में आज है चावल, बेसन का सब्जी, ये है कैता। जो लोग बिहार में रहते हैं उन लोगों को आइडिया होगा कि ये क्या है, कैता है, उसमें कुछ भर गया है। ये आलू का भुजिया और ये सलाद, जल्दी से खा लेते हैं और फिर चलते हैं। तो कोको का ये फेवरेट तकिया, इसे वो खूब खेलते रहता है अपना एनी टाइम। तो वो अपने तकिया के साथ खेल रहा है पूरा अपना, एकदम जोड़ों शोरों से पूरा इसी को काटता है, इसी के साथ खेलता है, फिर अपना इस तकिया के साथ मस्ती करता है। फिलहाल थोड़ा बहुत एडिटिंग रिक्वायर्ड है, तो लैपटॉप में टैग्स वगैरह डाल के एडिट कर देते हैं। अभी अमेज़ॉन से एक पार्सल रिसीव हुआ है जिसमें हमें कटलरी सेट मंगाई थी, तो उसी को अनबॉक्स कर रही है। तो ये जब अनबॉक्स की मम्मी, तो फिर चेक की जितना रिक्वायर्ड था, मतलब कि कटोरा इसमें 8 पीस कम था और चम्मच बिल्कुल दिया ही नहीं था, तो फिर मम्मी इसको पैसा जो था वो रिफ़ंड कराई और इसको फिर सामान को दे दी फ्लिपकार्ट वाले को जब वो आया। तो हम कोचिंग से आ चुके हैं घर और क्लास वगैरह लेने लगे थे, तो क्लास ले लिए हैं और मम्मी लोग गई है नानी के यहाँ, क्योंकि जो हम लोग मलमास मेला से सामान लिए थे ना बच्चा लोग के लिए, तो वो देने के लिए गई है मम्मी लोग। तब तक में हम क्लास ले ले रहे हैं और उसके बाद फिर देखते जो होता है। एंड सागर अंकल की वाइफ का भी फिर फ़ोन आया था, मतलब अंकल लोग का, कि शायद वो लोग अभी आएंगे, बिकॉज उस टाइम पे कुछ काम आ गया था शायद, इसकी वजह से आंटी आ नहीं पाई थी और फिर अंकल भी चले गए थे। तो लेट्स सी, वो आती हैं तो हम आपको दिखाते हैं। सो, अभी हम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो आ जाए और उसके बाद उसका क्लास ले लेंगे। एक सेकेंड लगता है कोई आया है। अरे आप आ गई। हाँ, इतना लेट हो गया? ठीक है, काम वाम था ना इसलिए। मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं, गई हुए नानी के यहाँ, वो बाबू लोग का सामान लाए थे ना मलमास मेला से, तो वही सामान वगैरह लाने के लिए चले गए, देने गए। हाँ, देने के लिए बाबू लोग को। और कोको? कोको भी उन्हीं लोग के साथ गया था यहीं पर, लेकिन जाने जब लोग जाने लगे थे तो हम बेचैन हो गए कि नहीं हम भी जाएंगे, तो फिर वो भी चला गया। हाँ, पूछ रहे थे फोन करके पापा अंकल से कि घर पहुँचे, तो अंकल बोले बस जा ही रहे रास्ता में। हाँ, बोली मम्मी भी कि आंटी आएंगी अभी, हम बोले ठीक है आने दो, क्योंकि बोली तो ठीक सुबह में आएंगी, रात हो गया। अंकल भी लगता है काम से चले गए थे। हाँ, हम लोग वहाँ चले गए थे, मौर्या लोग कॉम्प्लेक्स में है उसका, स्मार्ट सिटी, पटना स्मार्ट सिटी का ऑफिस, वहीं काम से गए थे, वहीं से लेट हो गया। फिर वहाँ चूड़ी उड़ी हम खरीदे हैं। चूड़ी क्या चीज के लिए? वो ऐसे ही सावन आया तो सोचे कि ग्रीन चूड़ी सब कोई ले पहननी है। हाँ, तो सावन में खरीदी नहीं थी क्या? नहीं, हमने खरीदे थे। अच्छा, तो लिए, अच्छा दे दिया वहाँ पे 100 में, ये है 100 रुपीज में। सुंदर है। और ये तो प्लेन है इसके साथ। अच्छा, मतलब लहटी के साथ साथ में चूड़ी को ऐसे प्लेन सा। सुंदर है। और नया फोन भी ले ली। आपका अच्छा फोन जो चोरी हो गया था? हाँ, वो गिर गया था तो नया तो हो गया। कैसे गिरा था? अरे टोटो से जा रहे थे तो पैकेट में रखे थे ट्राउजर, ये इसका पैंट का, कहाँ गिर गया, इतना टोटो नहीं था, उबड़ खाबड़ में करता है तो उसी में कहीं गिर गया, स्लिप कर गया, हमको पता ही नहीं चला। जब हम घर जाके फोन खोज रहे, नहीं मिला, तो फिर काफी दिन के बाद इंतजार किए। अंकल बताए थे कि आपका फोन ही गिर गया। हाँ, तो फिर बहुत दिन के बाद, बर्थडे था ना 5 तारीख को मेरा। अच्छा, उससे एक दिन पहले खरीद दिए थे। तो आ गई हैं आंटी, अब हम लोग थोड़ा बातचीत रहने के लिए आएंगे ना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आज थोड़ा बातचीत करेंगे, फिर जो होता है दिखाएंगे। कोको इतना एक्साइटमेंट में गया है ना,
मतलब हम उसको बोले कि नहीं जाओ कोको रह जाओ, एकदम इतना तेजी में भाग गया नीचे। हाँ, कि आपके बिना नहीं रहता। हाँ, एकदम उतर गया नीचे तक। उसके डैडी बोले छोड़ो अब जब उतरिए गया तो लेके चल जाते हैं, तो फिर ले गए उसको। कौन आया है? कोको मेरे साथ। रुको रुको रुको, इतना सारा सब्जी भी आया है। ए कोको कहाँ से आ रहे हो? बाप रे एकदम छोड़िए नहीं रहा है। कोको देखो ना कौन आया है। तो अब देखा इसको, अब नजर पड़ा है। अभी अभी क्या है? अरे बाप रे अब देखो नाचना है। अंकल भी आए हैं, इधर देखो ना, उधर इधर देखो ना, इधर इधर। अब देखिए, जानती हो अब एकदम पहले जैसा कुछ नहीं करता है। जहाँ हम लोग कोई हटे किसको लगता है ना कि कहीं ना छोड़ के भाग छोड़ के। डोसा आ गया है सबके लिए। क्या हुआ? हाँ पांच तो है, नहीं तीन ही तो है डोसा, और इसमें ये सब है, ये है सांबर और चटनी वगैरह हो सकता है। पांच बोले थे आप? हाँ, पांच के भूल बिल दिया था, पांच के पैसा दिया है, एक में दो दिया होगा, यही में है दो, ये वो है सिंगल है, ये में डबल है, ये में डबल डबल है, वो सिंगल काला है। बोले कि अगर पांच को नहीं देता तीने को देता तो उसका हम 56 भोग का 55 भोग कर देते। चलो निकाल दो माँ डोसा सबका। अंकल सो रहे थे, कोको चढ़ चढ़ के उनको उठा दिया। सोने दो, आई अगर सोया हुआ है बस तब तक इसका मन अगर कर गया ना उठने का, उसके किसी को नहीं सोने देगा, जब सब उठ जाएगा तो सो जाएगा अपना। बहुत तेज है, इसीलिए इतना भौंक रहा है क्योंकि ये इसका बेड है ना, मतलब मेरा और इसका बेड है, इसीलिए किसी को नहीं सोने देता है इस पे, इसलिए अंकल सोए हैं इसे चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे आंटी को हम मेहंदी लगा रहे थे क्योंकि आंटी सावन में मेहंदी लगाई नहीं थी, तो हमको बोली कि हमको भी लगा दीजिएगा, तो फिर इनको लगाए। और काफ़ी रात में 12-1 बजे के करीब हम अपने को लगा रहे थे, तो उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे तो इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा, बट हम मेहंदी इनको भी लगाए, आंटी को भी और खुद भी लगाए। आप लोग बताइए कि कैसा लगा, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस जितना समझ में आया लगा दिए, तो जैसे हमको समझ में आया, तो ये इनको हम मेहंदी लगाए थे। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का व्लॉग, अगर पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके एंड जाइए जाके सो जाइए, बाय बाय। ऐसे ही करेगा फिर सो जाएगा, खेल खेल।